हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपासनास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मूली के साग की रेसिपी। बहुत ही आसान है इसको बनाना। हमारे घर मूली तो आती ही है, इसके साथ पत्ते भी होते हैं। इन्हें मैंने धोकर बारीक बारीक काट लिया है। करीब एक बाउल बड़ा भर के मूली के पत्ते हैं ये। आप तीन चार मूली लेंगे तो उसमें पत्ते अगर आप उसके निकालेंगे तो वो एक बाउल तो हो ही जाएगा। साथ में मैंने एक मूली को धोकर बारीक बारीक काट लिया है जो कि मैं भाजी में ऐड करूंगी। तो सबसे पहले हम 2 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लेते हैं पैन में, और भाजी जब भी पकाएं कोशिश करें कि सरसों के तेल में ही पकाएं, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने जैसे ही ऑयल गरम हुआ है तो मैंने 2 खड़े लाल मिर्च डाले हैं, मेथी के दाने 1 चम्मच डाले हैं और 3-4 लहसुन को बारीक काट कर मिला दिया है। इसके बाद हींग डालेंगे हम, थोड़ा सॉटे करेंगे। और साथ ही हम मिला देंगे इसमें भाजी और मूली को। सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे और नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसको थोड़ी देर सॉटे करेंगे खुले में और उसके बाद में हम इसको ढककर पकाएंगे। कोई भी भाजी आप पका रहे हो तो इसमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ 2-3 चीज़ों से ही भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, जैसे मेथी, हींग और खड़ा लाल मिर्च डाल के आप कोई भी भाजी चौंकेंगे अच्छी ही बनती है। इसके बाद हम ढक देंगे इसको और 4-5 मिनट के लिए हम ढक कर इसे पकाएंगे। फिर खोल कर देखेंगे, चेक करेंगे कि मूली ठीक से पक गई है या नहीं, सॉफ्ट हो गई है या नहीं। कलर तो देखिए चेंज हो गया है थोड़ा सा। अगर लग रहा है तो हम थोड़ा सा देर और इसको पका देंगे ढककर 2-3 मिनट। बहुत फटाफट बन जाती है, बहुत ही अच्छी साइड डिश होती है। जब भी आपको मूली घर में आए तो आप ये डिश ज़रूर बनाएं। बस रेडी है ये, बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। टेस्टी तो है ही और हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू एंड हैप्पी कुकिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कम बैक अगेन टू सी न्यू रेसिपीज़। बाय बाय।